दोस्तों वाइट स्टूडियो की नई अपडेट के बाद अब जब भी आप अपने वाइट स्टूडियो को ओपन करेंगे तो आपको फ्रंट में ही पहले की तरह यहां पर अपना जो भी डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा, जहां पर कि आपको अपने सब्सक्राइबर्स, वॉच टाइम, व्यूज, वीडियो के वॉच टाइम सब कुछ आपको यहां पर दिखाई देगा। लेकिन यहां पर नया ये हुआ है कि जो आप ये कोने में अपना लोगो देख रहे हैं उसके बराबर में जो बेल आइकन है ये यहां पर पहले आपको दिखाई नहीं देता था। यहां पर आपको दिखाई देता था जितनी भी आपके यूट्यूब चैनल पर कॉमेंट्स आई हैं वो आपको यहां पर दिखाई देती थी, लेकिन अब यहां पर ये बेल आइकन देगा जिस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर तीन ऑप्शन दिखाई देंगे जो कि पहले यहां पर दिखाई नहीं देते थे। जैसे ही आप ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको अपनी जो भी कमेंट्स हैं वो, देन यहां पर आपका जो भी अचीवमेंट्स है वो भी आपको दिखाई देगा। अब यहां पर इसको भी आप अलग अलग देख सकते हैं, आप कमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी कमेंट्स हैं वो यहां पर आपको दिखाई देंगी, जो भी आपकी आज की कमेंट है वो, इस हफ्ते की जो कमेंट हैं वो, और सबसे पुरानी जो कमेंट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाई देंगी। और जैसे ही आप अचीवमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी अचीवमेंट्स है वो आपको यहाँ पर एक अलग सेपरेट ऑप्शन में आपको दिखाई देगा जिसका नाम है अचीवमेंट। तो आपको ये फीचर यूट्यूब ने नए नए लॉन्च किए हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ना तो अब अचीवमेंट ढूंढना है कहीं पर और आपकी जो भी कमेंट्स हैं वो आपको कमेंट्स वाले ऑप्शन पर मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से एक नया फीचर यूट्यूब ने आपको दे दिया है जिसका आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।